नमस्कार, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है LIC का प्लान जो करोड़पति बना दे। 90% लोग जो LIC लिए होंगे ना, उनको लगता होगा कि आह, मेरे टॉपिक पे आ गया। म्यूचुअल फंड तो मुझे करना नहीं है, हमने LIC लेके रखा है, बस इसमें से कुछ रास्ता निकल जाए ना कि 1 करोड़ रुपया हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ खेल देखते हैं। यहाँ पे एक सिंगल प्रीमियम का चार्ट दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि NAV ग्रोथ एट द रेट 15%। 15% का NAV रेट है। अगर 1 लाख रुपए 1 टाइम लगाए तो यहां पे दिखाया जा रहा है कि 10 साल के बाद जो 1 लाख लगाया था, 3,49,000 रुपया लगभग हो जाएगा। ये तो तब है जब NAV का रेट 15% के रेट से बढ़ता रहे। NAV का रेट बढ़ना अलग बात है और इंश्योरेंस प्रोडक्ट में पैसा बढ़ना एक अलग बात है। यहां पे लिख दिया कि NAV का रेट 15% से बढ़ेगा तो 1 लाख का 3,40,000, 42,000, 4 लाख जो भी हो जाए, लेकिन ये NAV बढ़ रहा है और हमारे पास जो अपने पास है उसमें से जितना भी चार्जेज होगा डेबिट ऑफ यूनिट होगा, यूनिट को काटते जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 यूनिट्स था, लेकिन टाइम टू टाइम 10-15 साल के बाद वो 8,000 ही यूनिट बचेगा। चार्जेज ग्रोथ से नहीं कट रहा है, यूनिट काट करके चार्जेज हो रहा है। तो 20% तो यूनिट ही कट गया। इसको दूसरे शब्दों में समझिए, यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बेचारा गरीब किसान है, उसका खेत है 1 बीघा। अब कोई चालबाज आता है, कहता है कि ऐसा करो, तुम खेती नहीं कर पा रहे हो ना, हमारे पास उन्नत किस्म का टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, तुम्हारे खेत में हम सब कुछ करेंगे, चार्ज के रूप में आधा दे देना। बोला ठीक है, लेकिन वो बोला कि चार्ज ना हम अनाज के रूप में नहीं लेंगे, हम खेत के रूप में ले लेंगे। उदाहरण के तौर पे 5 लाख का अनाज अगर हुआ तो 2.5 लाख का तुम्हारा हुआ, 2.5 लाख का मेरा हुआ। किसान बोला हाँ, लेकिन अनाज 5 का 5 लाख रख लेना और 2.5 लाख का जो है हमको खेत ही टुकड़ा सा काट के दे देना। वो बेचारा किसान इनोसेंट उनके जाल में फंस गया, कागजी कार्रवाई कर लिया। अब 1 साल में हर साल में छोटा छोटा टुकड़ा खेत का उनके नाम पे आता गया, अनाज तो इनको देता गया पूरा का पूरा, लेकिन जो चार्ज 50% होना चाहिए, जो भी चार्ज तय किया होगा उसके बदले में खेत ही काट के लिया जा रहा है। पता चलता है 20 साल 30 साल के बाद तो पूरा का पूरा खेत चार्ज में ही चला गया। तो इंश्योरेंस प्रोटेक्ट में ऐसे होता है, जो भी चार्जेज होगा आपको यूनिट काट काट करके काट काट करके उससे कैंसिलेशन करते रहेंगे यूनिट के। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो बढ़ेगा, जो बढ़ा हुआ है NAV है उससे चार्जेज कट रहा है। अब चार्जेज का देखेंगे अगर तो दिमाग खराब हो जाएगा, चार्जेज समझ में नहीं आएगा। इतना कहानी लिखा हुआ है चार्जेज में कि समझ, पार्सल विड्रॉवल क्या बोलते हैं, 6 साल से 10 साल तक 15% तक ही निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपका 4 लाख या 5 लाख हो गया, उसका 15% ही निकाल सकते हैं। कब? 6 से 10 साल तक। 5 साल तो निकाल ही नहीं सकते हैं, 11 से लेके 15 साल तक 20% तक ही पैसा निकाल सकते हैं, 16 से लेके 20 साल तक 15% ही पैसा निकाल सकते हैं, और 11 से 25 साल तक 30% ही पैसा निकाल सकते हैं। इतना लंबा ड्यूरेशन में इतना ही पार्शियल विड्रॉल, और फाइनल विड्रॉल आपको करना है तो चार्जेस देके कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल विड्रॉल थोड़ा थोड़ा पैसा जो है इतने परसेंटेज में कर सकते हैं। अब गारंटीड एडिशन बोलते हैं, ये सब वर्ड ना देखने में पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा जब समझाया जाएगा। गारंटीड एडिशन, 6 साल में आपको 3% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एडिशन हो जाएगा पैसे का, 10 साल में 4%, फिर 15वें साल में 5%, 20वें साल में 6% और 25वें साल में ये एडिशन हो जाएगा। लेकिन अंदर जब पढ़ेंगे ना छोटे छोटे अक्षर में स्टार मार्क के, गारंटीड एडिशन एडेड सब्सिक्वेंटली टू द डेट ऑफ डेथ, जब ऊपर जाएंगे तब ये मिलेगा, जिंदा रहते नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आता है किस तरह से कोई प्रोडक्ट बनाता है कि ये सब इतना बढ़िया बढ़िया चीज लिखा है, जब ऊपर जाएंगे तब मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। मोर्टेलिटी चार्ज, ये चार्ज नॉर्मली लोग नहीं जानते। बोलते हैं कि अच्छा 10,000 का प्रीमियम है, 20,000 का है, 1 लाख का है, कितने का इंश्योरेंस चाहिए? 50 लाख का ले लेते हैं। नहीं, 1 करोड़ का, 5 करोड़ का ले लेते हैं। यहाँ पे अब इसके पीछे चार्ज देना पड़ता है भाई साहब, ऐसे नहीं कि कितना का ले लिया। पर थाउजेंड, 1,000 पे अगर आपका एज 35 साल है तो 1 रुपया 60 पैसा देना पड़ेगा। यानी कि 1 लाख का अगर है तो 1 लाख मतलब 100 गुना ज्यादा हो गया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बनता है 160 रुपया सालाना कटते रहेगा 1 लाख के लिए। अगर 1 करोड़ ले लिए तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 160 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,000 रुपया सालाना 1 करोड़ रुपया का जाने लगेगा मोर्टेलिटी चार्ज के रूप में, जो आपका वही खेत काट काट के यूनिट सेल सेल करके दिया जाएगा। तो इस तरह से काफी सारा चार्जेज का लिस्ट है,
अगर आप मुझे बोलेंगे मैंने तो आज तक किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में पैसा लगाया नहीं, मुझसे पूछेंगे कि कोई भी इंश्योरेंस अगर चल रहा हो, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल हो गया है, सबको निकालिए और म्यूचुअल फंड में अगर जाते हैं या वन टाइम इन्वेस्टमेंट में starsfp.in की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे हमने LIC सेलेक्ट किया है ऑल इक्विटी, और पिछले 15 साल में अगर देखा जाए तो LIC का प्लान आता है LIC ELSS टैक्स सेवर, LIC लार्ज कैप फंड, अगर देखते हैं AUM बहुत कम है लेकिन फिर भी उस इंश्योरेंस के तुलना में ये LIC का म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छा है। पिछले 15 साल का देखा जाए तो 10 लाख का वैल्यू 80 लाख रुपया हुआ है, 14.94% का रिटर्न है। अब जो ये परसेंटेज दिखा रहा है वो चार्ज चूर्ज सब कुछ काट करके जितने तरह का चार्जेज होगा, हो सकता है 40-50 तरह का चार्जेज होगा, वो सब इसके अंदर काट करके जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है, एक्सपेंस रेशियो है 1.5 से 2% जितना भी है इसमें मेंशन है वो सब काट करके ही आपको दिखाया जा रहा है, अब अलग से कुछ नहीं कटेगा। दूसरा फंड है LIC लार्ज कैप, इसने 10 लाख का 79 लाख बनाया है पिछले 15 साल में, 14.81% का रिटर्न यहां पर मिला है। यहां पे जो आपको यूनिट मिल गया वो मिल गया, जिंदगी भर 100 साल तक भी रहेगा तो यूनिट कम नहीं हो सकता है, मार्केट में ये ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन यूनिट हमेशा सेफ है। यहां पे अगर 15 साल का बात किया गया, अगर मैं 10 साल का रिकॉर्ड लूं पिछले 10 साल का और 10 लाख रुपया वन टाइम लगाया, मैं ईयर कम करता जा रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा और भी प्लान आ जाएगा तो देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, ELSS फिर से आ गया, वही लार्ज कैप फंड से आ गया, जिसने 10 लाख का कितना बनाया है पिछले 10 साल में, 10 लाख का 33 लाख। अगर हम एक साल का बात करें तो इसमें सारे फंड आ जाएंगे जो लेने योग्य है, LIC लार्ज एंड मिड कैप, LIC लार्ज कैप, LIC ELSS, LIC फ्लेक्सी और LIC यहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप भी आप देखते हैं। तो इस तरह से करके अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा LIC स्मॉल कैप और LIC लार्ज एंड मिड कैप, इस दो कैटेगरी में आप पैसा लगा सकते हैं। अगर पिछले एक साल का बात किया जाए तो LIC स्मॉल कैप और LIC मिड कैप, इसने पिछले एक साल में रिटर्न जो लगभग 48% इस तरह से दिया है। तीसरा फंड जो LIC का आप सेलेक्ट कर सकते हैं LIC लार्ज एंड मिड कैप, अगर टैक्स बचाने के लिए चाहिए तो LIC टैक्स प्लान जो ऊपर में है उसमें भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करके LIC में कोई भी प्रोडक्ट चल रहा हो इंश्योरेंस से, उसको धीरे 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 करके आप LIC के म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप मिड कैप SBI लार्ज एंड मिड कैप SBI स्मॉल कैप, इसमें आप धीरे 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 करके स्विच कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता है, 10 साल 20 साल 25 साल इस तरह से पैसा आप इन्वेस्ट करके रखते हैं तो जरूर वहां से स्विच करके LIC के म्यूचुअल फंड में स्विच कर जाना चाहिए। अब कुछ कॉमेंट्स का बात करते हैं, यहां पूछ रहे हैं आपका वीडियो देख के SIP स्टार्ट किया, 58% का रिटर्न दिख रहा है, पिछले 3 साल से कंटिन्यू कर रहा हूं तो अभी क्या करूं, कंटिन्यू करूं या विड्रॉ कर लूं, अभी मार्केट इतना ऊपर है क्या करें। ये क्वेश्चन हर किसी के मन में होता है कि SIP कर रहे हैं 2 लाख का 3 लाख 3.5 लाख हो गया तो क्या 1-1.5 लाख रुपया विड्रॉ कर लें, मान लेते हैं विड्रॉ कर लीजिए, अब क्या करेंगे, कहां रखेंगे पैसा, और कौन जानता है कि यहां से 5% 10% मार्केट बढ़ेगा नहीं, अगर आपने निकाल लिया तो कब लगाएंगे, आपको लगता है ना मार्केट लाइफ टाइम हाई है अब निकाल लेंगे, अब जब गिरना शुरू होगा ना तो आप गिरावट में खरीद नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको लगेगा कि और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, मैंने जो SIP चलाया उसको कभी कुछ विड्रॉ नहीं किया, इधर उधर नहीं किया, तभी जाके 3-3 हजार का SIP 8 लाख जमा हुआ और 35-36 लाख रुपया हो गया। तो छोटा छोटा विड्रावल नहीं करना है, हाँ गिरे जब गिरे दिखता हुआ गिर रहा है तो थोड़ा थोड़ा टॉपअप कीजिए, ये स्ट्रेटेजी सही नहीं है कि पैसा बढ़ा तो निकाल लें, निकाल के करेंगे क्या, और कौन जानता है कि यहां से बढ़ेगा नहीं या गिरेगा ही गिरेगा, तो यह प्रेडिक्शन करना संभव नहीं है। 5000 रुपये पर मंथ का SIP कर रहा हूं, 5 करोड़ रुपये बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा, अनंत काल लग जाएगा, 5 करोड़ का टारगेट नहीं बनाना है। अगर मैं बोलता हूं 1000 रुपये पर मंथ करते हैं 15 साल में 7 लाख रुपया 8 लाख रुपया आप कर सकते हैं 15-16% के रेट से, तो 5000 किया है तो 7 बजे 35 लाख 35 लाख 40 लाख का टारगेट पहला रखिए, मैक्सिमम 50 लाख का टारगेट रखिए कि 15 साल 16 साल में हो जाए, यहां तक हो जाएगा, जिंदा रहेंगे तो होते ही रहेगा, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 45 साल करेंगे तो ये भी हो जाएगा, पर पैसे का पहाड़ नहीं बनाना है ना, उसको यूज भी तो करना है, ऐसा थोड़ी कि चलते जाएगा। संस्कृत में कहावत है धन का 3 गति है, दानम भोगम नाशम, भोग नहीं किए थोड़ा बहुत सगे संबंधी में बांटे नहीं तो तीसरा है नाश, दानम भोगम नाशम, तीसरा
ना सोचेगा, करते 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 बूढ़ा हो गए ऊपर चल गए खट से, क्या करेंगे पैसे का। तो टारगेट छोटा रखिए, कम समय में फिर उसका उपभोग करना शुरू कीजिए, पहाड़ नहीं बनाना है पैसे का। सर आपका वीडियो देख के अच्छा लगता है, महिंद्रा मैनुलाइफ स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करना सही है? अगर थोड़ा बहुत पैसा है 1-2 हज़ार रुपया तो नए AMC में लगा दीजिए, लेकिन मैं बोलूँगा कि जितना ज़्यादा AUM है पहले से, SBI, ICICI, HDFC, निपॉन, DSP, इसके पास AUM ज़्यादा है तो उसमें जाइए, बनिस्पत की आप छोटे AMC में जो नया नया शुरू हुआ है NFO के खेल में उसमें कब 1-2 हज़ार लगाने लगा दीजिए, लेकिन 10,000-20,000 करना है डाइवर्सिफाइड करके, बराबर बराबर सब में करना है। यहाँ पे भाई साहब का कहना है अभी तक कोहलू का बैल ही बने हुए थे, अब वीडियो देख के थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। कोहलू का बैल पता है कौन है? वो जो देख के करते हैं। अच्छा, उसने कार ले लिया, आपको कार का रिक्वायरमेंट नहीं, आपने ले लिया, 50,000-60,000 का सैलरी है, अब 10-15-20,000 पे उधर जाना शुरू हो गया। जो जो उसने लिया उसने ले लिया, आपने भी ले लिया। अच्छा, वो घूमने गया कहीं, हम भी चलते हैं। आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार करना है आपको काम, देख देख के नहीं करना है। देख के करेंगे तो कोहलू के बैल की तरह घूमते रहेंगे, नहीं करना है। जब तक एज है, जवानी है 10-15-20 साल, थोड़े थोड़े पैसे जमा कर लीजिए। कितना थोड़ा थोड़ा होता है? 5-10 हज़ार रुपया। अगर 50,000 का सैलरी है, 5-5-10,000 रुपया पे करेंगे ना, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन होना शुरू हो जाएगा। देखेंगे दूसरों के पास बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन आपके पास धीरे धीरे करके 40-50 लाख रुपया 10-15 साल में हो गया। तो इस तरह से करके कोहलू का बैल, मैं क्या बोलता हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब ये नहीं कि पैसा हो गया बैठ के खाएंगे, कोहलू के बैल से निकल जाएंगे, फड़फड़ा के ऊपर उड़ना शुरू करेंगे। ये नहीं कि नौकरी 9 बजे से लेके रात के 8 बजे तक जाते जा रहे हैं, इससे निकलना है। अगला है, सर मैंने अभी तक कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, 2,000 रुपये पर मंथ करना चाहता हूँ 5 साल के लिए, किसमें करूँ? ये 5 साल वर्ड को हटा दीजिए, बस करते रहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल में पैसा बन जाएगा और सब कुछ कर लेंगे। कम से कम म्यूचुअल फंड में आना है तो 15 साल, 2-2 हज़ार रुपये पर मंथ करना है, SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप या HDFC स्मॉल कैप। एक SBI रखिए, बाकी HDFC, निपॉन, DSP, कोई भी क्वांट स्मॉल कैप, 1-1 हज़ार का 2 SIP चलाइए। बीच बीच में इनकम बढ़ता रहे कभी तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ा दीजिए, या छोटा छोटा अमाउंट है उसको टॉपअप करते रहिए। 5 साल कोई ड्यूरेशन नहीं है, 12-15 साल ड्यूरेशन को बढ़ाइए। और टारगेट रखिए, छोटा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 20-25 लाख का टारगेट रखिए, कि उतना पैसा कि जितना में घर बन सके। घर बनाने के लिए लोन नहीं लेना है, EMI लेने लेना है, नहीं तो बस वही कोहलू के बैल की तरह फिर चक्कर काटते रहेंगे। राजू सर नमस्कार, मेरा LIC का ट्रेडिशनल प्लान चल रहा है, ये जीवन तरंग है, जीवन आनंद है, लाभ है, नाम ही नाम है, आनंद नाम, लाभ नाम, नाम पे नहीं जाना है, काम पे जाना है, होर्डिंग पे नहीं जाना है, काम देखना है। नाम तो बहुत चल रहा है देश में, नाम ही बदल रहा है हर जगह पे, काम दिखता हुआ नजर आ ही नहीं रहा। ये सब प्लान है, 16 साल का प्रीमियम टर्म है, 4 साल से प्रीमियम दे रहा हूं, अब बताइए क्या करूं, डिसकंटिन्यू करूं, सरेंडर कर दूं, क्या कर दूं? एकदम अनहारे भोरे कल सुबह सुबह जाके सरेंडर कर दीजिए। 4 साल हुआ है तो 1 साल करके अगर सारा मिलता है ले लीजिए, ठीक है, ले करके और SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, जहां मर्जी हो म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप में आप लगाते चले जाइए। कुछ भी नहीं समझ में आता है, LIC स्मॉल कैप, LIC मिड कैप है, लेकिन उससे कहीं भी बेहतर, LIC में आप AUM देख लीजिए बहुत कम है, इससे बेहतर है कि बड़ा AUM SBI का, निपॉन का ज़्यादा बड़ा है, यहाँ से निकल कर जितने भी लोग इसमें हैं पड़े हुए, यहाँ से निकल करके उतना ही पैसा आप अगर देते हैं तो पैसा 5 गुना ज़्यादा हो सकता है लंबे समय में। राजू सर, मार्केट करेक्शन और मार्केट क्रैश में क्या अंतर है? मार्केट करेक्शन और मार्केट क्रैश, वाइफ ने फ़ोन किया, बीवी जी ने फ़ोन किया कि घर में सब्जी नहीं है, लेते आइएगा नहीं तो खाना नहीं बनेगा, लेकिन आप भूल गए और घर आए तो बेसन का सब्जी कुछ बन गया और थोड़ा बहुत नाराजगी हुआ कि क्यों नहीं लाए, थोड़ा थोड़ा बातावती हो गया, इसको बोलेंगे करेक्शन, थोड़ा थोड़ा विवाद हो गया। लेकिन एक बार क्या हुआ कि आपको देख लिया किसी दूसरे से बात करते हुए पड़ोसन से, अब कुछ नहीं बोला गया, एकदम सन्नाटा है, और 3 दिन तक लगातार खाना नहीं बोला, ये हुआ क्रैश। जब ज्यादा गिरावट होगा ना, 20%, 30%, 40%, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्रैश, थोड़ा बहुत 5%, 7%, 3%, ये हुआ हलचल जो मार्केट में, ये करेक्शन, ठीक है। बड़ा क्रैश मुझे फ्यूचर में दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो जो भी प्लान कर रहा है, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया,
वो जो भी प्लान कर रहा है उसका भंडाफोड़ पहले हो रहा है, तो करेक्शन हो ही रहा है। अभी आप देख लीजिए ना, भूतकाल के बाद कितने तरह का युद्ध और ये सब वीडियो गेम चला, सब वीडियो गेम है मोबाइल पे, वो रसिया वाला हो रहा है, वहाँ यूक्रेन वाला हो रहा है, वो इजराइल हो रहा है, वो फिलिस्तीन हो रहा है, ज़्यादातर वीडियो गेम हो रहा है, थोड़ा बहुत दिखाया ज़्यादा जा रहा है, तो भंडाफोड़ हो रहा है, तो करेक्शन होने रहा है। आने वाले दिनों में देखते हैं, नाम आएगा क्लाइमेट, वो वाला चेंज इस तरह से आएगा। फिर एक और टॉपिक चल रहा है बड़ा तगड़ा वाला, एलियन। ये एलियन एलियन क्या है, उस तरह वाला टीवी पे चलेगा, कोई एलियन वेलियन नहीं है, है इक्विपमेंट ही, हथियार ही गिराया जाएगा, लेकिन बोला जाएगा कोई मिल गया, ऐसा वाला नहीं है, सब एच पर प्लान चल रहा है। थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, ज़्यादा समझना है, न्यूज आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, डरना नहीं है, एलियन एलियन का नाम आएगा, डरना नहीं है, न्यूज में आप देखेंगे, ठीक है। लेकिन वो मोगेम्बो का अपना तरीका है, तो सब भंडाफोड़ पहले से हो रहा है, ठीक है। सर वांट टू रिटायर एज ऑफ 40, 6000 रुपये पर मंथ 2 साल से हुआ है, और वेल्थ क्रिएशन करने के क्या है, अभी 31 साल एज है, टाटा डिजिटल, SBI स्मॉल कैप, निपोन स्मॉल कैप में 2-2000 जा रहा है, एकदम 40 में ही रिटायरमेंट कर लेना है। ये जो आप पूछ रहे हैं ना, इसी तरह का क्वेश्चन है, रिटायरमेंट मतलब ऐसा नहीं कि पैसा आ जाएगा तो बैठ के सो जाएंगे, इन्होंने समझाया 6000 रुपये का किया, 20-25-30 लाख का भी वेल्थ क्रिएशन हो गया अगर, उसके बाद अपनी मर्जी का काम करेंगे, चॉइस से जो मर्जी है वो करेंगे। मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ के अपना काम कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब हमेशा मैं बोलता हूँ, ये नहीं कि पैसा हो गया और बैठ के खाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब अपनी मर्जी का काम करेंगे, एक तय सीमा पैसा हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया, अपनी मर्जी का काम करेंगे। आप इसी तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए, बीच बीच में मैं आपके सारे सवाल का जवाब देता रहूंगा। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं, ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, थैंक यू सो मच।